सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं हूँ आगरा। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ आगरा से ही स्टार्ट कर दिया, रास्ते का कुछ व्यू नहीं दिखाया। तो ऐसा हुआ है कि बहुत दिनों से मैं चल रहा हूँ ट्रिप पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर रास्ते में क्या टाइम वेस्ट करना, डायरेक्टली आपको ताजमहल ही दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वैसे वीडियोज़ और रील्स वगैरह वीडियोज़ में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, तो हमने सोचा अब विजिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। सो दोस्तों, अगर आप कार से आते हैं या बस से आते हैं तो वहाँ पर कार पार्किंग है और बसेस भी वहीं पर पार्क करी जाती है। तो वहाँ से ताजमहल जाने का पर पर्सन 20 रुपीज़ पर हेड पड़ जाता है। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल आप आइए, बहुत अच्छा रहता है। रिक्शा वगैरह करके क्या फ़ायदा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही हैं तो उससे सारे लोग आते हैं, लेकिन पैदल चलने का मज़ा ही है। टहलने आए तो टहलिए आराम से, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ ताजमहल दिखाने के लिए। कौन है भैया? और ये रहे हमारे जो साथ में सारे लोग आए थे, पूरी टीम है अपनी, तो उन्हीं के साथ हम आए हुए हैं और दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटोज़ कैप्चर करते हैं। शरद लाइव आ चुके हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको ताजमहल। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ताजमहल देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिकट घर है, यहीं पर आपको टिकट लेना है, उसके बाद आप एंट्री लेते हैं, लाइन में लगते जाके। तो आपको मैं बता दूँ, टिकट प्राइस 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाता है। दोस्तों अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो ये रहे शरद, यहाँ पर टिकट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं, ये देखिए शरद। और इधर ये है टिकट घर, देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पर ताजमहल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में कितना सुंदर प्लेस है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पर शाहजहाँ ने अपने मुमताज़ की याद में बनवाया था। तो यहाँ पर मैं आपको सेल्फी पॉइंट भी दिखाऊंगा और ताजमहल का व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे जो गाइड है, जो फॉरेनर्स आते हैं उनको समझाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको पूरा कवर करके दिखाता हूँ ये कैसा क्या है, और सेल्फी पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ पर फोटो खींचते हैं। और यहाँ पर 16 गार्डन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 16 गार्डन है इस जो है ताजमहल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मतलब नीट एंड क्लीन रखा गया है, और सारी चीज़ें आगे चल के मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के पास में आप देख सकते हैं पीछे हमारा सेल्फी पॉइंट है, मेन गेट के पास भी पड़ जाता है। और यहाँ पर एक ये दूसरा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप फोटो के शौकीन हैं और ताजमहल आएँ और फोटो ना खिंचवाएं, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, रखने के लिए, संवारने के लिए तो आपको फोटो लेनी पड़ती, वीडियोस क्लिप बनानी पड़ती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन है। फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वाली लोकेशन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं और अपने फ़ोन में रखते हैं। यहाँ पर देखिए फॉरनर भी आए हैं यहाँ पर फोटो क्लिक कराने के लिए। और ये पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, ताजमहल कैसा प्रीमियम लग रहा है। यहीं से मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और ये छोटा ब्लॉग होने वाला है ताजमहल का। इधर देखिए ये फाउंटेन चारों तरफ है सेल्फी पॉइंट के, यहाँ से पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब मैं बैक कैमरे से आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।